आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। न्यूज फर्स्ट से मैं शकील सैयद, आज हम आए यहाँ पे मुमरा में नदीम खान से मिलने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड से। नदीम खान, मेरा एक सवाल है आपसे। ये जो डोंबिवली में रेप कांड हुआ है, जिसमें 15 साल की नाबालिग लड़की का ब्लैकमेल करके 9 महीने से लगातार रेप किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? करने आए शकील सैयद ने एक सवाल किया कि डोंबिवली मानपाड़ा के अंदर एक 15 वर्ष लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो भी ब्लैकमेलिंग करके, उसके कुछ वीडियो के ऐसी अफवाह उड़ाई है कि उनके पास थे, और 30 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और वो भी 9 महीने से चल रहा है मासूम जी। सबसे पहले भारत की सभी बच्चियों से मैं कहूंगा कि गैर लड़कों से ज्यादा रिलेशन ना बनाए, और अगर बनाए तो इतना ही बनाए कि वो बस तुम्हारी दोस्ती की हद तक हो, उससे ज्यादा ना हो। कोई भी फोटो शेयर ना करे जिससे वो मिस कर सकता है आपको, उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात, ये जो डोंबिवली के अंदर घटना घड़ी है, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में ये रेप केस बढ़ते जा रहे हैं। कभी दिल्ली, हैदराबाद, साकिना का, अब एक डोंबिवली, उसके बाद में उससे पहले भी बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घड़ी, लेकिन ये जो क्वांटिटी है रेपिस्टों की, 30 लोगों की, ये तो समझ के ही बाहर जा रही है। ये लोगों के, आजकल के लड़कों को हुआ क्या? ये शायद हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जो 30 लड़कों ने ऐसा की है जी। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है जी। हाँ, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। ये बहुत बुरी और शर्मनाक दुर्घटना है जो ये घट गई, और इन लड़कों ने इस कदम को उठाया। मैं देखिए, मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा, मैं गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा। तो इस बारे में आप किसको दोष ठहराएंगे? हाँ, इस बारे में देखिए, संविधान है ना, जो संविधान के ऊपर भी मैं दोष नहीं दे सकता, लेकिन संविधान के अंदर ऐसा कानून क्यों नहीं ला रहे हो कि जो रेप की घटना बढ़ती चली जा रही, आज उन लड़कों ने, 30 लड़कों ने जो कांड किया, उस लड़की को 9 महीने से ब्लैकमेल करके उसके साथ एक घटना रची, इसको अंजाम देते रहे, लेकिन आज उसके आने वाले फ्यूचर में उसको बहुत फर्क गिरेगा। आज उसने कानून का दरवाजा खटखटाया है, कानून ने एक्शन लिया है, कानून के अंदर से सब कुछ हो गया, ठीक है, एक्शन भी लिया गया, ऑफिसरों से ने एक्शन लिया है, लेकिन न्याय इसके ऊपर है ना, बहुत कठोर होना चाहिए। फास्ट ट्रैक हम हमेशा कहते, हर बार यही बात कहते कि हम कैंडल लेके बैठ गए, मोर्चा निकाल दिए, धरना दे दिए, हो गया, आरोपी पकड़े गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया, वो ट्रायल चला, ट्रायल के बाद फिर बाहर आ गए, फिर उनका क्या? तो आप ये रेपिस्ट के बारे में देखिए, हमारा हिंदुस्तान का कानून, संविधान इसकी इजाजत तो नहीं देता, लेकिन हमारे संविधान के अंदर है कि खून का बदला खून, यानी फांसी दिया जाता है, आजीवन कारावास दिया जाता है। रेप करके भी आदमी, जो 4-5 लोगों ने दिल्ली के अंदर किया, तो उनको भी फांसी की सजा दी गई थी। तो आप ये समझते कि अभी ये 30 लोग पकड़े गए हैं, या जो कुछ लड़के पकड़े बाकी है अभी पकड़े जाने, तो आप समझते हैं कि इनको फांसी होनी चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ फांसी होनी चाहिए, लेकिन फांसी भी इनके लिए कम है। फांसी से ज्यादा इनको जो सऊदी कानून चल रहा है, चोरी किए तो हाथ काट दो, रेप किए तो सिद्ध हो गया तो सीधे गर्दन काट दो। इन 30 लोगों को अगर हिंदुस्तान में गर्दन काट के सजा दी जाए, इन 30 लोगों को, तो ये क्राइम रुक जाएगा। लेकिन संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। हम अभी आज आए थे मुमरा नदीम खान से मिलने के लिए, उन्होंने अपनी राय जाहिर की है। मैं शकील सैयद, न्यूज़ फर्स्ट से।